नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। पिछले दिनों तेजस्वी यादव के द्वारा यह कहना कि बिहार में अपराधी सरकार चला रहे हैं, तो बहुतों को लगा होगा कि यह वक्तव्य खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसा ही है। लेकिन आज मैं आपको एक विधवा महिला के साथ हो रहे अत्याचार की दास्तां दिखाने वाला हूं, जहां आप देखेंगे कि एक तो विधवा, ऊपर से अनपढ़, काम मजदूरी और प्रताड़ना है सरकारी। जी हां, पहले आप इस महिला की सुनिए कि महिला क्या कुछ कह रही है। आप प्रॉब्लम बताइए, आपको क्या प्रॉब्लम है? हमरा प्रॉब्लम छै कि हमरो घर रंगरा छै, प्रखंड पंचायत रंगरा, आरो हमरा घरो में अथी हमरा जमीन में जबरदस्ती घर बनाएल जाइ छै, आरो हमर थाना प्रभारी सब हेल गेलै, वहाँ कोइ प्रभाव नहि करै थाना। अपने थाना प्रभारी कोइ नहि सुनलकै? सुनलकै कोइ नहि, हमरा घर कोइ प्रभाव नहि करलै। ओकरा बाद अथी धुती कऽ हमरा सबके भगा गेलै। अपनेके आगू की इच्छा छै? इच्छा की होता, मतलब कैसे मुकदमा होता है, आरो ओकरो जे छै नी ओहो मसमाते छै। हमरा सबके ट्रक फैन छै, हुनकर लिए मार करै लए आबै छै, सब परिवारे आबै छै भूत भूतिक मारै लए, रात कऽ भी आबै छै मारै लए, रात कऽ काम करै छै, रात कऽ जँ बोलै छै तऽ सब परिवार आबै छै भूत भूतिक मारै लए। तब अपनेक जमीन में बड़ा जबरदस्ती घर बनैलो जा रहल छै, अपने एकरा से पहले रोकी देने छियै? रोकले छियै, नहि रुकलै, नहि रुकलै, यानी कि कोइ समाजक मन्ना उन्ना नहि देलकै? समाजक मन्ना नहि छै, समाज अपने अकेला पड़ि गेलियै, अपनेक वैल्यू नहि देलकै, नहि देलकै। समाज डरक नहि बोलै छै, औरत के ओहो मतलब सवाल एकरा डरक कोइ नहि बोलै छै। अच्छा, तब आप थाना में आवेदन दिए थे? हाँ, थाना में दिले आवेदन, वहाँ कोई सुनवाई नहीं। एसपीओ कोठन दिल रही है? हाँ, एसपी कोठन भी दिले छी। सीओ ऑफिस में? सीओ ऑफिस में महू भी दिले छी आवेदन, कहीं सुनवाई नहीं छी। अपने के सब गेल रहे साथ दिले? बेटा से दूगो, बेटा गेल। कहाँ छे अपने? अपने गेलो रहिए? गेलो रहिए, देखिए ने थाना में जे छै ने ई देलियै एस पी महोदय के नगोशियामे जाके, जब यहाँ सुनवाई नहि होलै तऽ ओकरा बाद जे छै ने ई ग्रामीण थाना में यहाँ देले रहियै रंगरा ऑफिसमे, ठीक छै, एगो सी ओ ऑफिसमे देले रहियै। अच्छा, ठीक छै। हमरा इसमें जे छै ने हमरा डायरेक्ट दरोगोके छै कोन चीज, जखनी ई देलियै तहन केस कोनो दर्ज नहि होलै, ठीक छै। तीसे तारीख के एप्लीकेशन देलियै, फेर 5 तारीख के रात में जे छै ने मतलब आबि गेलै यहाँ, धमकी देलै हमरा अपने, ठीक छै, हम अपने घर बनाए लियै, मम्मी धमकी दे के गेलै यहाँ 9 बजे रात। धमकी की दे के गेलै? धमकी दे के गेलै कि जब घर बनबै लए देबै ने तो दोनों बेटा के दूर भेजि देबो ने, कि तोरा एकर कभी मुँह नहि देखा सकबो। ऐसा अपने डरी गेलियै? डरी गेलियै ने, गेलियै रहै आगू तक भी हम बहरलियै, लेकिन आब जब हमरा सबके सुनवाई नहि हो रहल रहै तऽ जब एसपी कोठी तक भी कोई सुनवाई नहि। ई जे मकान बनै छलै अपने सनी कहाँ छलियै पहिले? हमे सब लॉकडाउन से पहिले छै ने यहाँ नहि रहियै, ठीक छै, एक टा हमरो नाम खाली यहाँ रहै रहै, ठीक छै, नाना सुनै उनै ओतए नहि छै, बुझलियै, ओकरा जे छै कतहु सही से नहि छै ओतए, ठीक छै, तऽ वएह कहाँ से मथा लगेतियै, हमरो भौजी खाली यहाँ रहै, भौजी तऽ नया छै, वहाँ किछु जान खेने छियै हमरो। यानी कि अपने सनी एलियै जब देखै छियै तऽ जमीन मे मकान बनै के तैयार छै, तब अपने कानून कार्रवाई चालू कर लिए? आरो लॉकडाउन लगलो रहै, लॉकडाउन में हम सब आवेदन तो लेट भी करी देलियै, वहाँ से ये ले लिए अपने काम नहीं होले, और थाना प्रभारी भी नहीं सुनी बोलो छे, नहीं सुनी बोलो छे, कानून का कोई मन्ना नहीं दलके, यानी मन्ना नहीं दलके, कानून बिक चुका है। अब हम आपको ये बताते हैं कि यह महिला भागलपुर जिले के नवगछिया क्षेत्र के रंगड़ा गांव की रहने वाली है, नाम है धुसरी देवी। इसकी जमीन पर स्थानीय कुछ लोगों के द्वारा प्रशासनिक सहयोग से मकान का निर्माण कराया जा रहा है। प्रशासनिक सहयोग हम इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास इतने पक्के सबूत हैं जिससे कि
आप भी महसूस करेंगे कि निश्चित तौर पे प्रशासनिक महकमा से पूर्ण सहयोग इस दबंग परिवार को दिया गया ताकि वह मकान उस विधवा महिला दूसरी देवी के जमीन पे खड़ा कर सके। जब आवेदन लेकर के शिकायत लेकर के विधवा महिला थाने पहुंचती है तो थानेदार थाना प्रभारी वहां बताते हैं कि ये तो अंचलाधिकारी का काम है, सीओ साहब करेंगे, आप सीओ साहब से मिलिए। और सीओ साहब के पास जब जाया जाता है आवेदन लेकर के तो सीओ साहब कहते हैं कि सरकारी जमीन पे अगर कोई मकान बना रहा है तो उससे तुम्हें क्या तकलीफ है। सीओ साहब क्या कुछ कह रहे हैं देखिए ये वीडियो। तो वहाँ देखेगा ना जमीन मेरा कहाँ है। फिर बकवास नहीं करो, तुम ना पाए ना तुम अपना जमीन, ठीक है वो बना रहा है सरकारी जमीन पर, अगर तुमको से क्या मतलब है, तुमको अपना जमीन ना सरकारी जमीन पर नहीं है ना सर। सुनो जो बोलते हो समझो ना। हाँ ठीक है ठीक है। अब सवाल उठता है कि सीओ साहब ने ऐसा क्यों कहा कि सरकारी जमीन पर अगर कोई मकान बनाए तो किसी को क्या आपत्ति है। किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती सीओ साहब, लेकिन आपको तो आपत्ति करनी चाहिए थी क्योंकि सरकारी जमीन कोई खैरात नहीं कि कोई भी व्यक्ति अपने निजी आवास को खड़ा कर सके। लेकिन जब यह मामला मीडिया के पास पहुंचा तो हमने स्वयं रंगड़ा थाना प्रभारी मोहम्मद महताब से फोन पर जानकारी मांगी तो उन्होंने इस घटना से अनभिज्ञता बताते हुए कहा कि हमें तो आवेदन ही नहीं मिला है। जी हेलो। हेलो जी सर, नमस्कार, पंकज भट्ट बात कर रहा हूँ सर, बिहार ब्यूरो हूँ, बीटी न्यूज से। जी 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 बोला जा। एक्चुअली सर आप रंगरा थाना से नहीं बोल रहे हैं? जी 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 जी। सर ये निवेदन था कि एक गरीब विधवा महिला के जमीन पर जबरदस्ती मकान बनाया जा रहा है, क्या है मामला? कहाँ पर? रंगरा वार्ड नंबर 6। क्या नाम है थोड़ा बताया जाए? सर नाम है दूसरी देवी। क्या नाम? दूसरी देवी करके। दूसरी दूसरी जी जी। देखिए तो आवेदन में कोई दूसरी देवी आवेदन दी है क्या? नहीं कोई नहीं। दूसरी दूसरी देवी रंगरा कोई आवेदन दी है? थाने पर थे सर। आवेदन आपको 30 तारीख को भी दिया गया है, मेरे पास सारा डिटेल आया हुआ है सर। अच्छा देखें तो पहले वाला देखिए तो 30 तारीख को भी आया हुआ है। एक मिनट जरा सा चेक कर लेंगे जरा। क्या तारीख के डेट में कर रहे थे? 30 तारीख के डेट में। 30 तारीख का थे? हम 30 तारीख है यहाँ लेटर रिसीट रजिस्टर पुराना नाम ये नहीं, हम जब से आए हैं रजिस्टर बना है, रिसीट हो रहा है सब टोटल। हम जब से हैं तब से टोटल आवेदन का रिसीट हो रहा है, पहले नहीं होता था वो अलग बात। सर आपको वीडियो भेज रहे हैं? जी जी भेज दिया जाए, भेज दिया जाए। हम आपको वीडियो भेज रहे हैं, भेज दिया जाए। अगर नहीं भी आया होगा तो हम देखवा लेंगे, नहीं हो सकता है। साथ में जो मकान बनाया जा रहा है उसको रुकना चाहिए। जी जी देख लेते हैं, आप भेज दीजिए उसको सर, अविलंब रुकवाइए, हम आपको प्रूफ भेज रहे हैं। हाँ भेजिए ना, भेजिए भेजिए। ठीक सर धन्यवाद। आप देखिए आपके सामने हम एक वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें कि आपको थानेदार मिलेंगे, उनको दिया जा रहा है आवेदन, लेकिन उन्होंने फोन पे हमारे साथ क्या कुछ कहा है उसको भी आपने सुना। अब हम आपको उनका एक वीडियो दिखा देते हैं जिससे कि आपको महसूस होगा कि वो कितना सच बोल रहे हैं। जी हां, कुल मिलाकर के देखा जाए तो कमोबेश यही स्थिति सामने नजर आ रही है कि किसी भी तरीके से उस विधवा महिला और उसके परिजनों को, उसके 2 पुत्र जो कि मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं, उसे उलझा करके रखा जाए। क्यों? क्योंकि अगले का मकान बनाने की पूरी सुपारी जो ले रखे हैं। आप देखिए यह पूरा वीडियो और जुड़े रहिए बीटी न्यूज बिहार के साथ। क्या बात है? तो कुछ नहीं बोल रहा सर, ये जमीन विवाद है। आवेदन आवेदन सर बहुत दे चुके हैं, 2 बार आवेदन दे चुके हैं यहाँ। हमको क्या बार दिया? 2 बार दिए हैं सर। हमको नहीं, 1 बार दिए हैं सर। कब?
उस दिन शाम में यहाँ पे नहीं दिए थे सर। सीओ साहब आ जाएंगे बता रहे हैं, सीओ साहब को भी दिए हैं सर। मतलब यहाँ से चल जाओ, खाली अपने बोलेगा कि मेरा भी सुनेगा जी सर। बोलिए, सीओ साहब आएंगे 11 बजे, यहाँ रहना है प्रजेंट, ठीक। कागज दिखाएंगे, सारा चीज करेंगे, क्या बात है नहीं है वो बताएंगे। तब तक सर काम तो रुकना चाहिए ना, तब तक काम रुकेगा ना सर। गुंडा उंडा है क्या? नहीं सर, ऐसा हम कहाँ बोल रहे हैं सर, बोल रहे हैं कि 10 बजे, मेरी बात समझ में नहीं आती है क्या? जब हम बोल रहे हैं 10 बजे सीओ साहब आएंगे, उनसे समझेंगे, आप भी खड़ा रहिएगा यहाँ, पहले उनसे समझेंगे बुझेंगे तभी तो। जमीन उन्हीं का ना है, मेरा है जी, नहीं उसका, उनका है। तो वही चीज़ बोल रहे हैं कि 10 बजे वो आएंगे, आप रहिएगा यहाँ पर। लेकिन तब तक सर अभी काम कर रहा है तो कर, कहाँ पर काम कर रहा है, कौन जगह? यहाँ रंगराम में, जो एक ओपी बाबू गए थे जी। कहाँ तक काम किया है सर? वो अभी कालीब कर रहा है, कालीब कर रहा है। कहाँ तक दीवार बनाया है? दीवार पूरा हो गया है सर। दीवार पूरा हो गया था, अगर अब जगह क्या करेंगे वगैरह में? हम न्यू डाल रहा था तो क्यों नहीं आए थे थाना में सर? लॉकडाउन से पहले न्यू जब डाल रहा था उस समय क्या नहीं आए थे? उस टाइम हम लोग यहाँ पे नहीं थे सर। आज सब पूरा घर परिवार यहाँ से ताला मार के गया था, कोई नहीं था यहाँ? नहीं, एक बूढ़ा था। उसको कहना नहीं चाहिए थाना में? वो इतना समझता नहीं, आप देखिएगा ना जाके सर, तो वो समझ जाएगा। भेज देंगे जाकर, देख लेंगे ओपी बाबू, ओपी बाबू देख लेंगे वहाँ जाके। और सीओ साहब रहेंगे, यहाँ रहिएगा, ठीक है सर? और सर खाली हम ही लोग रहेंगे, वो पार्टी नहीं ना आएगा? सुनिए, हमको बताएगा हमको क्या करना है। पहले सीओ साहब से तुम्हारे बारे में सर, हम लोग तो पूछ ही रहे हैं ना सर। वो पहले सीओ साहब से तुम्हारे बारे में समझेंगे ना, ये मामला क्या है? काबिल बहुत ज़्यादा तुम लोग हो क्या? नहीं सर, काबिल हम ये कह रहे हैं कि सीओ साहब आएंगे, बताएंगे क्या स्थिति है, क्या बात है, उस हिसाब से ना उसको बुलाएंगे जी सर। सीओ साहब कह देंगे कि तुम्हारी ज़मीन है तो उस पर कार्रवाई ना करेंगे, ज़बरदस्ती कर रहा है तो, नहीं तो वो स्की भी है तो दोनों को बुला कर रास्ता निकालेंगे सीओ साहब, यही ना उपाय। तो अब आप समझ गए होंगे कि तेजस्वी यादव ने कितना सच कहा है कि बिहार में सरकार अब अपराधी चला रहे हैं। बने रहिए बीटी न्यूज़ बिहार के।